थोड़ा सा अच्छा चलने लगा है तो मैं इमोशनल हो रही हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो गाइस, आज ये पक्की पक्की फ्राइडे की सुबह से ही मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। पिछली बार मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, बट ये रियल फ्राइडे का ही व्लॉग है और मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया है। पहले निकाली है मलाई, क्योंकि सुबह सुबह जो चाय बनती है ना, तो रात की जो मलाई जमी होती है ना, मैं उसको सुबह ही हटाती हूँ और उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ। उसके अलावा चाय रखने के बाद ना, हस्बैंड का व्रत है आज, आपको पता ही है उनका फ्राइडे को व्रत होता है, तो ऑफिस जाएंगे तो उनके लिए ना मैं जीरे वाले आलू बना के दूंगी, तो आलू बॉयल होने के लिए रखूंगी। तब तक हमारी चाय बनेगी तो हम लोग चाय पी लेंगे साथ में और वो पूजा वगैरह भी कर लेंगे। उसके बाद मतलब वो नहावा लिए हैं और तैयार हो गए हैं, तो जब तक मैं यहाँ चाय बनाऊंगी तो उनकी पूजा हो जाएगी, उसके बाद हम लोग साथ में बैठ के चाय पियेंगे। तो अभी वो मंदिर में गए हैं पूजा करने के लिए, तो मैंने कहा चलो एक छोटी सी क्लिप ले लेती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो उनकी पूजा है जो है वो हो गई है और मैं यहाँ छोटी सी क्लिप लेने के लिए आ गई थी, क्योंकि आपको पता ही है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो मैं ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ। तो उनकी पूजा हो गई है, मेरी चाय भी बन गई है, आलू मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, पहले पी लेते हैं चाय, उसके बाद बाकी का काम स्टार्ट करूँगी मैं अपना। तो गाइज, हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और उनको लंच मैंने दे दिया है। आज व्रत था उनका तो मैंने जीरा आलू दिया है, साथ में दही दिया है, फल वगैरह भी वो ले लेते हैं और ड्राई फ्रूट्स वो लेकर ही जाते हैं साथ में। तो ना ये सारी चीज़ें ना, क्या होता है जब व्रत रहता है ना और लंच का टाइम होता है तो बहुत तेज़ भूख तो लगती है, क्योंकि डेली जो लंच करते हैं ना, फिर व्रत में थोड़ा सा ऐसा लगता है। तो मैं ना उनको हमेशा जीरा आलू बना के देती हूँ ताकि भूख मिट जाए थोड़ी सी, और फिर रात में तो अच्छे से मैं फ्राइडे वाले दिन खाना बनाती हूँ, जो कि आज भी मैं बनाऊँगी। और आज तो बहुत अच्छे वाला आप लोगों के लिए सरप्राइज़ भी है, इस वजह से व्लॉग को ना एंड तक देखना और बहुत अच्छा होने वाला है व्लॉग आप लोगों के लिए। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में अपने बाकी के काम निपटाने के लिए। तो ये बास्केट जो है मुझे थोड़ी सी जो है गंदी दिख रही थी, क्योंकि इस बास्केट को ना मैं ज़्यादा टाइम होने नहीं देती हूँ। इसमें ना डेली के धुले हुए बर्तन रखे जाते हैं और जब डेली इसमें वॉश किए हुए बर्तन रखे जाते हैं ना, तो इसमें ना वाइट वाइट सा कुछ जमने लगता है। अगर ज़्यादा दिनों के लिए छोड़ दो तो फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से ना मैं इसको टाइम टू टाइम क्लीन करती हूँ, ज़्यादा दिन होने नहीं देती हूँ मैं। तो देखिए मैंने इसको क्लीन कर दिया है, और ऐसी ऐसी चीज़ें मैं हमेशा ले लेती हूँ डेली रूटीन में, कि जिनको अगर मैं टाइम टू टाइम क्लीन करते रहूँ और जो डेली यूज़ की होती है और उसके बाद मुझे उनमें फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो ऐसी चीज़ों का मैं किचन की हो, घर की हो, बालकनी की हो, किसी भी घर के कोने की हो, तो ऐसी चीज़ों का मैं ध्यान रखती हूँ। तो इसीलिए ना मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दिनों तक ना डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब मेरा ज़्यादा ही ये होता है, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो इस वजह से तो देखिए मैंने यहाँ पर ये बास्केट और गैस के बर्नर जो है साफ कर दिया, उसके बाद आ जाती है सिंक एरिया की बारी, तो सिंक भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और साथ में ये जो आरओ का वायर होता है ना, जिसमें से पानी आउट होता है, तो वो वाला भी जो है ना मैं टाइम टू टाइम क्लीन करती हूँ, क्योंकि कभी कभार देखना आप उस पर ना, जब वो ऐसे ही रहता है ना बाहर, तो उस पर बहुत ज़्यादा एक लेयर सी जम जाती है गंदगी की, तो उसको भी ना मैं इस तरीके से साफ रखती हूँ। तो जब इस तरीके की साफ सफाई आप रखते हैं ना, आपका घर, किचन, जो भी चीज़ हो, घर का एक कोई भी कॉर्नर हो, इस तरीके से सफाई करने के बाद ना सारी चीज़ें चमकती रहती है। तो बस इस तरीके से मैं चमका के रखती हूँ, तभी मेरा हमेशा घर साफ सुथरा दिखाई देता है और चीज़ें ज़्यादा गंदी भी नहीं होती है। तो देखिए अब सारा नाश्ता वगैरह बनने के बाद ना मैं सबसे पहले किचन क्लीन करती हूँ, और किचन जैसे ही मेरी क्लीन हो जाती है ना, तब मुझे ऐसे लगता है कि हाँ चलो घर का काम जो है ना अब निपटने वाला है, क्योंकि किचन का काम ना मुझे सबसे ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ये लगता है। और किचन के काम में ना एक चीज़ बता दूँ, खाली बर्तन मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि मुझे बर्तन साफ करने अच्छे लगते हैं, बाकी का काम मुझे सब अच्छा लगता है,
देखिए काम तो सारे हमें ही करने होते हैं, बट होता है ना हमारे लिए भी कि हमें कौन सा काम पसंद नहीं होता। तो मुझे ना बर्तन साफ करने बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट करने पड़ते हैं वो। लेकिन होता है कई बार कि कौन सा काम ज्यादा बेकार लगता है, तो मुझे बर्तन साफ करना बहुत बेकार लगता है इस वजह से। तो ये सारी चीजें करने के बाद ना मैं सीधे आपसे नहाने के बाद मिलूंगी और शाम के टाइम मिलूंगी। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और आज जो है शाम की स्टार्टिंग ना, मैं थोड़ा सा आपसे बात करके स्टार्ट कर रही हूँ। आज सुबह से मैंने थोड़ा बहुत मॉर्निंग का जो भी काम था वो आप लोगों के साथ शेयर किया। उसके बाद जो मैंने झाड़ू पोछा ये सब चीज़ें हस्बैंड के जाने के बाद कुछ कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी थी, वो मैंने छूट नहीं की क्योंकि आज मुझे शाम को आप लोगों से थोड़ा सा बात करना था इस वजह से। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बड़ा वाला धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, बहुत बड़ा वाला। क्योंकि अभी कुछ टाइम से ना, मतलब अभी कुछ टाइम से गाइस मेरा जो है मतलब चैनल थोड़ा सा अच्छा चलने लगा है, तो मैं इमोशनल हो रही हूँ। मतलब ज्यादा शब्दों में तो मैं अभी नहीं बताऊंगी, जब थोड़ा और मतलब मुझे लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत का फल मुझे मिल रहा है तो पूरी जर्नी के बारे में मैं आपको बताऊंगी जब थोड़ा सा ये लगने लगेगा। अभी जो है मेरा चैनल, मुझे लग रहा है उम्मीद एक मुझे बन गई है। जब से आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स को इतना प्यार देना स्टार्ट किया है ना, तो बस आज ना मैं आप लोगों को धन्यवाद कहने के लिए आई थी कि आज जो है मेरे चैनल पर जो है 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं आप लोगों की बदौलत। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इसी तरीके से मेरे चैनल पर आप लोग अपना प्यार दिखाते रहिए और मैं और भी अच्छे अच्छे मतलब मैं इतनी मेहनत करूँगी ना जैसे सब लोग कर रहे हैं, मेरी उम्मीद छोटी सी बन गई है, तो प्लीज़ इस उम्मीद को मत तोड़ना आप लोग। और तो ना मैं आज छोटा सा सरप्राइज आप लोगों को भी दूंगी और मेरे हस्बैंड आएंगे शाम को तो मैं उनको भी दूंगी। तो अभी मैं जाऊंगी किचन में और कुछ कुछ चीजें बनाऊंगी मैं उनके लिए भी, आप लोगों के लिए भी एक छोटा सा सरप्राइज है इस वाले व्लॉग में मिलने वाला है आप लोगों को। तो प्लीज व्लॉग को ना एंड तक देखना और इसी तरीके से आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते रहिए। बहुत प्यारे प्यारे आप लोगों के कमेंट आते हैं और मुझे पढ़ना पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और मैं इतनी ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ ना जैसे ही आप लोगों के कमेंट में पढ़ती हूँ। हाँ अभी मेरा चैनल उतना ग्रो नहीं हुआ है कि जैसे बैड कमेंट्स तो अभी तक मुझे देखने को नहीं मिले हैं, बट हाँ शुरुआत ना बहुत अच्छे अच्छे कमेंट से हो रही है। बट जब आप ग्रो करने लगते हो ना तो सारी चीज़ों को हैंडल करना आपको आना चाहिए, नेगेटिविटी को भी और पॉजिटिविटी को भी। तो मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे प्यार दिखाना स्टार्ट कर दिया और हम आई होप मतलब मुझे ना ये उम्मीद बन गई है कि बहुत ही जल्द हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा और हम एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बन जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका 500 सब्सक्राइबर्स के लिए, धन्यवाद। तो गाइज वीडियो तो आपने देख ही ली, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी इस वीडियो में, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा आप लोग। और मुझे ना छोटी छोटी चीज़ों से ना मतलब मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ और मैं मुझे ना छोटी छोटी जो खुशियाँ होती है ना उससे भी मुझे बहुत अटैचमेंट होता है। तो आप लोग सोचोगे कि 500 सब्सक्राइबर्स के लिए मतलब ऐसे करने लगी है, बट नहीं, मेरे लिए ना ये चीज़ बहुत मायने रखती है और वो आपको आगे की जर्नी में पता चलेगा मेरी, जैसे जैसे आप लोग मेरे साथ जुड़ते जाओगे कि ये 500 सब्सक्राइबर जो हुए हैं ना इस तरीके से तो मेरे लिए कितना मायने रखते हैं। तो बस इस चीज़ को जो है कंटिन्यू रखते हुए आज मैंने आपके लिए एक सरप्राइज़ तैयार किया और मेरे हस्बैंड के लिए भी। तो सरप्राइज़ में ना आज बहुत सी चीज़ें बनने वाली है और उसके साथ साथ रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैंने सोचा कि जब मैं इतनी खुश भी हूँ और थोड़ी इमोशनल भी हूँ तो आप लोगों के लिए ना आज मैं केक बनाती हूँ। बिस्किट की जो है क्रीम मैंने अलग कर दी थी और सारे बिस्किट को मैंने अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है। अब इसका बनाएंगे अच्छा सा बैटर। तो जैसे केक का बैटर बनाते हैं ना उसी तरीके से, तो उसमें मैंने दूध डाल दिया है। दूध थोड़ा सा गर्म होना चाहिए तो गर्म दूध मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। ये थोड़ा सा मुझे कंसिस्टेंसी के हिसाब से अभी गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा दूध मैं इसमें और ऐड करूँगी और उसके बाद इसका एक अच्छा सा बैटर बनाएंगे। तो थोड़ी देर आपको इसको कंटिन्यू चलाते रहना है।
और जैसे ही ये अच्छा सा एक बैटर बन के तैयार हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा आपको बेकिंग पाउडर ऐड करना है जिससे ये बेक होगा अच्छे तरीके से। तो मैंने इसमें एक चम्मच से थोड़ा सा कम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है। अब उसके बाद इसको फिर से आपको मिक्स करना है और अच्छे से इसको चलाना है कंटिन्यू, और एक ही डायरेक्शन में आपको इसको चलाते जाना है। तो देखिए बहुत अच्छा सा बैटर बन के तैयार हो गया है। अब इसको जो है बेक करने की तैयारी करते हैं। तो मेरे पास माइक्रोवेव तो नहीं है, तो मैं इसको ना, ये मेरा छोटा 2 लीटर वाला कुकर है, तो मैं इसको ना इसी में बेक करूंगी। तो देखिए मैंने ना इस तरीके से एक रैप वाला जो पेपर आता है ना, बटर पेपर, वो ले लिया है। उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा जो है घी लगा लिया है और इस कुकर के अंदर भी मैंने पूरा घी लगा दिया है। अब इसमें जो है ये वाला बैटर फिल कर देंगे पूरा, जितना भी आपने बैटर बनाया है, और कंसिस्टेंसी आपकी यही रहनी चाहिए जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो बस ये सारा बैटर मैं इसमें फिल कर दूंगी और इसके बाद इसको रखेंगे बेक होने के लिए। तो सीटी मैंने हटा दी है क्योंकि सीटी हटाने के बाद ही आपको इसको बेक करना है, अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो अगर माइक्रोवेव है तो तब तो कोई बात ही नहीं है। तो इसको ना कम से कम 20-25 मिनट तक के लिए हमें पकाना है। तो जब तक हमारा केक जो है बेक होता है, तब तक मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ जो मैं किचन में ऐड कर रही हूँ अपने। तो ये एक जो है मैं सॉस पैन, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, वैसे तो इस पे सॉस पैन ही लिखा था, बट मैं इसे किसी और चीज़ के लिए यूज़ में लूँगी। तो नया बर्तन है, नए बर्तन में या तो पहले कुछ मीठा बनाना चाहिए या फिर दूध गर्म करना चाहिए ऐसा बोला जाता है। तो मैं यहाँ पर जो है इसमें दूध गर्म कर रही हूँ। तो देखिए सारा दूध मैंने इसमें डाल लिया। अब इसको मैं गर्म होने के लिए रख दूंगी। उसके बाद जो है हम केक की थोड़ी सी और चीज़ें जो है बना लेते हैं जिस जो हमें केक के लिए चाहिएगी। तो यहाँ पर मैंने डेरी मिल्क सारी चॉकलेट जो है ना दूध में ऐड कर ली है, और जो क्रीम बिस्किट से निकाली थी वो भी सारी ऐड कर ली है, और उसको ना मैं मेल्ट करूँगी, तो इसलिए मैंने पानी उबलने के लिए रखा है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और मैं अपने किचन में ऐड कर रही हूँ, ये है कढ़ाई। और ये जो ग्लास लिड होता है ना गाइज, आज की दोनों चीज़ें मैंने उसी के साथ अपने किचन में ऐड की है, क्योंकि मुझे ना ग्लास लिड जो है तो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो वैसे ही बर्तन अब मैं अपने किचन में यूज़ किया करूँगी और मुझे अच्छा भी लगता है ऐसी चीज़ें करना। तो देखिए ये वाली कढ़ाई जो है मैंने ऐड करी है। तो यहाँ पर जो है एक बार केक को भी देख लेते हैं कि बेक हो गया है। तो केक को देखने का तरीका होता है, आप कोई भी इस तरीके की नुकीली चीज़ लीजिए और इस तरीके से डाल के देख सकते हैं। अगर वो चिपक के आती है तो इसका मतलब अभी आपका जो भी आप चीज़ बेक कर रहे हैं वो नहीं बनी है, और अगर वो चिपक के नहीं आती है तो वो एकदम रेडी है। तो केक जब तक ठंडा होता है तब तक हमने ये सारी चीज़ें तैयार कर ली है, जिससे मैं केक को जो है थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। तो ये 2-3 चीज़ें ले ली है मैंने। तो ये देखिए मैंने कुछ बिस्किट क्रश कर लिए हैं, और कुछ यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जैम्स जो आते हैं वो है। अब देखिए एकदम से केक निकल गया ठंडा होने के बाद, और देखिए बिल्कुल भी चिपका नहीं है कुकर के अंदर। तो ये सबसे अच्छी बात होती है बेक होने की, और बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो अब मैं इसका जो है पेपर हटा दूंगी। तो पेपर हटाने के बाद ना अब करते हैं इसको अच्छे से कवर, वो भी जो चॉकलेट मेल्ट करी थी ना हमने, तो उसी से इसको पूरा मैं कवर करूंगी। और देखिए बिल्कुल इसी तरीके से लगेगा जैसे बाजार से नहीं आते हैं केक। तो देखिए मैंने पूरा स्प्रेड कर दिया है जो चॉकलेट हमने मेल्ट की थी। उसके बाद मैं इस पे ये बिस्किट क्रश किए हुए बिस्किट डाल दूंगी, और इससे सच में बिल्कुल ऐसे लगता है गाइज, आप खुद बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपको देखने में ऐसे ही लग रहा है ना जैसे आप लोग कभी कभार शॉप से लेकर आते हैं, बट मुझे तो ऐसे ही लग रहा था। आप लोगों को पता नहीं स्क्रीन पर देखने में कैसा लग रहा है। और अब आती है बारी इसको डेकोरेट करने की। तो आज जो है मेरे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे, तो मैं इस पर 500 ही लिखने वाली हूँ। और शाम को हस्बैंड आएंगे, उनके लिए भी ये सरप्राइज ही रहेगा, और हम लोग छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे शाम को। और माता रानी की और आप लोगों की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से ना मुझे ये खुशी मिली है, तो मैं इसे मतलब छोड़ना नहीं चाहती, मैं हर एक चीज़ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। तो इस वजह से आज मैंने ये केक बनाया और आप लोगों के लिए था ये सरप्राइज। मुझे कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा।
केक को अब मैं रख दूंगी ठंडा होने के लिए फ्रिज में, और उसके बाद शाम को आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। हस्बैंड भी आ जाएंगे, तब तक मैं और चीजों की तैयारी कर लेती हूँ। तो आज हस्बैंड का व्रत भी है, और किसी भी चीज में मैं आज प्याज ऐड नहीं करूंगी, और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी की सब्जी और साथ में पनीर की सब्जी। तो बस आज की शुरुआत ना अच्छी अच्छी सब चीजों से कर रही हूँ मैं, क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और मैंने पहले ही सोच लिया था कि आज का जो सेलिब्रेशन है ना आप लोगों के साथ इसी तरीके से सेलिब्रेट करना है मुझे, और आपको आप लोगों के लिए भी सरप्राइज दूंगी, और हस्बैंड को तो दूंगी क्योंकि वो शाम को आएंगे घर, और आज व्रत भी है उनका। तो देखिए सब्जी वगैरह सब कट करके मैंने रख दिया है। उससे पहले जो नई कढ़ाई मैंने अपने किचन में ऐड की है, तो मैंने कहा चलो कुछ मीठा बनाया जाए, तो मैं यहाँ पर सूजी का हलवा बना रही हूँ। तो सूजी का हलवा तो आप सबको बनाना आता ही है, तो मैं रेसिपी कुछ खास दे नहीं रही हूँ। उसके बाद जो है मैं बाकी की जो सब्जियाँ जो है बनाऊंगी, तो पहले बना लेती हूँ हलवा। और सूजी का हलवा मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज सारी उनकी पसंद की चीज़ें ही मैं बना रही हूँ। और आप लोगों को भी बताना कि आज जो जो भी मैंने बनाया उसमें से आपको सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी चीज़ लगती है, आपकी फेवरेट चीज़ क्या है। तो देखिए हलवा यहाँ पर मेरा बन के तैयार है। अब मैं इस हलवे को ना दूसरे बर्तन में शिफ्ट करूंगी, उसके बाद मुझे और भी चीज़ें करनी है काफ़ी सारी, क्योंकि दो दो सब्जियां बनानी है तो कढ़ाई चाहिएगी। तो एक कढ़ाई में बनाऊंगी पनीर और एक कढ़ाई में बनाऊंगी आलू गोभी की सब्जी। और अभी जब हम सब्जियां लेकर आए थे ना एक हफ्ते की, जो मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर भी किया है, तो गाइज मैं गोभी भी लेकर आई थी, और गोभी पता है कितनी महंगी आ रही है अभी। और लेकिन जब महंगी आती है ना, जब स्टार्टिंग में शुरू होती है तो तभी गोभी अच्छी लगती है। 80 रुपये किलो आई थी तो मैं ले आई थी। और यहाँ पर देखिए मैं बहुत सिंपल बना रही हूँ, जीरा डालने के बाद प्याज ऐड कर दी देसी घी में, उसके बाद सारे मसाले, उसके बाद कर दी मटर ऐड, और मैंने टमाटर और प्याज कुछ भी नहीं डालूंगे मैं इसमें। आप कभी ना इस तरीके से बना के देखना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो सारे मसाले ऐड करने के बाद ना, और फिर सब्जी ऐड कर दी कटी हुई, उसके बाद सब मिक्स कर दिया, और उसके बाद मैं इसे लिड से कवर कर दूंगी। जब तक ये बनेगी तब तक मैं अपनी दूसरी सब्जी की तैयारी करूंगी। और पनीर की रेसिपी मैंने बहुत बार आपको दी हुई है, जितनी बार भी मैंने पनीर बनाया है ना उसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आज मैं ज़्यादा खास तरीके से नहीं बना रही हूँ, क्योंकि आज मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से एकदम खुशी से, और मेरे हस्बैंड का व्रत है तो मैं उसी हिसाब से सारा खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने देसी घी में जीरा ऐड करने के बाद टमाटर की प्यूरी ऐड कर दी है, प्यूरी में मैंने हरी मिर्च भी पीस ली थी साथ ही, उसके बाद सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, और अब मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी। आप जितना मसाला पकाते हो ना सब्जी का, जब भी आप मसाला तैयार करते हो उतनी ही सब्जी टेस्टी बनती है। अब मैंने यहाँ पर नमक भी ऐड कर दिया, और साथ साथ मैं आलू गोभी की सब्जी को भी चलाती रहूंगी ताकि नीचे से जल ना जाए। उसके बाद मेरा जो है पनीर वाला मसाला अच्छे से पक गया था, उसके बाद मैंने उसमें पानी ऐड कर दिया। पानी आप अपने हिसाब से ऐड करिए, जितनी आपको सब्जी की ग्रेवी चाहिए, जितनी गाढ़ी चाहिए, जितनी पतली चाहिए आपको उसी हिसाब से। उसके बाद मैंने पनीर ऐड कर दिया, और अब मैं यहाँ पर हरा धनिया कट करूंगी जो कि गार्निशिंग के लिए होगा, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। उसके बाद आ जाती है पूड़ियाँ बनाने की बारी। तो गाइज मैं एक साथ कई सारी पूड़ी बना के रख लूंगी, क्योंकि मैं ना एक एक पूड़ी बनाती हूँ उसी तरीके से मुझे अच्छा लगता है पूड़ियाँ बनाना, और अच्छे से फूल भी जाती है एक एक पूड़ी। तो ना मैं जल्दी जल्दी से ना काफ़ी सारी पूड़ियाँ बना के रख लेती हूँ, और सबसे पहले मुझे निकालना है मंदिर के लिए। तो सबसे पहले जो थाली लगाऊंगी ना, मंदिर का भोग लगा देंगे हस्बैंड उसी थाली से, और फिर वो उनके लिए निकल जाएगी, क्योंकि हस्बैंड भी नहाने गए हैं, आ चुके हैं वो, फिर वो पूजा के लिए भोग लगाएंगे। तो गाइस थाली हो चुकी है रेडी, और हस्बैंड ने भी पूजा कर ली है, अब वो लगाएंगे भोग, और उनके लिए पूरा सरप्राइज था, तो वो बहुत खुश हो गए। उनको ना गेट से ही खुशबू आ गई थी, कह रहे आज क्या बना रहे। तो मैंने उनको बोल दिया था, मैंने कहा अभी आप किचन में नहीं आओगे, मुझे बनाने दो, आप अपनी तैयारी कर लो पूजा करने की, उसके बाद देख लेना। तो वो सीधे नहाने चले गए थे आके फ्रेशन अप होने, तो बस उस बीच में मैंने सारी चीजों की तैयारी कर दी, और वो यहाँ पर भोग लगा रहे हैं अब। उसके बाद हम छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे आप लोगों के साथ, तो व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा गाइज आप लोग।
तो हस्बैंड की थाली लग चुकी है, उसके बाद मैं यहाँ पर ले आई हूँ केक, और देखे उनका रिएक्शन, देखते ना देखने लगे कि आपने बनाया है, आपने बनाया है, ऐसे पूछ रहे थे। तो मैंने कहा हाँ मैंने बनाया है, तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। तो बोले थे ये क्या लिखा है 500, तो मैंने कहा हाँ, तो कह रहे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है ना तुमको, तो कह रहे थे मेहनत का फल मिलने लगा है, मैंने कहा हाँ जी। तो बस यही सारी बातें चल के ना हम लोग केक कट करने लग गए, और मैं उनको खिलाने ही वाली थी कि वो बोलने लगे कि आपकी मेहनत है तो पहले आप खाओगी, तो मुझे खिलाने लग गए, तो मैंने खा लिया गाइस, क्योंकि आज ना मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ ना, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। फिर मैंने उनको खिलाया, और उनका रिएक्शन आप लोग देख ही लेना अभी। तो गाइज अब मैं आप लोगों के लिए भी लाऊंगी केक, और आप लोग भी खा लीजिए, मेरी खुशी का हिस्सा बनिए, क्योंकि ये सब ना आप लोगों की वजह से ही मुझे मिल रहा है। आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों का सपोर्ट, और साथ में मेरे हस्बैंड तो सपोर्ट कर ही रहे हैं मुझे। तो बस हम लोग ना इसी बारे में बात कर रहे थे, और ये वाला व्लॉग ना अभी हम मैं यहीं पर एंड करूंगी। और आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया, पर आप लोग एडजस्ट कर लेंगे मुझे पता है। तो अब ये कर लेंगे डिनर, और मैं भी अपना ले आऊंगी क्योंकि मैंने बना लिया है। मिलूंगी आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज़।